हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग द वे यू आर डूइंग राइट नाउ. एंड देख लेते हैं 7 जनवरी का एनालिसिस. एंड एज प्रॉमिस द सेम डे मैं अपलोड कर रही हूँ इसे. तो पहला आर्टिकल रिलेटेड टू स्टेट कैन रेगुलेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, तो अभी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट से. क्या आई है कि जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट का मतलब उनमें फंडिंग गई जा रखी है, तो सच इंस्टीट्यूशंस को क्लेम नहीं है टू हैव एब्सोल्यूट राइट ऑन डिसाइडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स. मतलब वो एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कि वो डिसाइड कर सकते कौन सा टीचर अपॉइंट होगा एंड कौन सा नहीं होगा. एंड वो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकती है टू इंश्योर एक्सीलेंस इन इम्पार्टिंग एजुकेशन, कि भाई एक एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स अच्छे सेट रहे, इससे अपॉइंटमेंट वो डिसाइड कर सकती है. अब आप सोचोगे कि वो तो नॉर्मली भी कर सकती है. नहीं, दे आर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. जो मेजॉरिटी है वहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, पर माइनॉरिटी में वहाँ पे पहले डिसाइड होता था. अभी ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको आपको ध्यान से याद करना रहता है. आप कहीं भी उसको कोट कर सकते हो. तो इशू क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय द कोर्ट वाइल अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी. तो ये जो एक्ट था, वेस्ट बंगाल मद्रासा सर्विस कमीशन एक्ट 2008. अब मद्रासा क्या होते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को मद्रासास बोलते हैं. तो ये वाला जो सर्विस कमीशन एक्ट था, इसमें ये बोला गया था, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन मद्रासास आर टू बी डिसाइडेड बाय अ कमीशन. एक कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन सा टीचर अपॉइंट होगा कौन सा नहीं होगा. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये वाला एक्ट ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. एंड जो कलकत्ता हाईकोर्ट का वर्डिक्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ठीक है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने यही वाले एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था कि कोई कमीशन नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपनी टीचर्स की अपॉइंटमेंट को डिसाइड करने का. तो कलकत्ता हाईकोर्ट के डिसीजन को नकार के उन्होंने ये वेस्ट बंगाल मद्रासा सर्विस कमीशन एक्ट को अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने. तो आर्टिकल 30 जो हमारा आर्टिकल 30 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है, इट सेज ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियंस या लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी, उनको राइट है एस्टैब्लिश करने का एंड एडमिनिस्टर करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनकी खुद की पसंद के. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है, उन्होंने एक बैलेंस स्ट्राइक किया है बिटवीन एक्सेलेंस इन एजुकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज. कैसे किया है वो देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते नेशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि हमें क्वालिटी एजुकेशन भी चाहिए ना. अब हो सकता है कि भाई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कोई टीचर ऐसा नैरो माइंडेड हो, ठीक है, अपने रिलीजन्स या अपनी माइनॉरिटीज को ही बढ़ावा दे रहा हो, तो वो उस तरीके की नेगेटिव थॉट्स भी बच्चों में डाल सकते हैं. ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ें ना हो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बैलेंस स्ट्राइक किया है कि दूसरे भी जो मतलब मेजॉरिटी वाले एरिया से भी टीचर्स को रिक्रूट करना चाहिए एंड इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एंड दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस वुड अप्लाई इक्वली टू बोथ ऑफ देम. तो कैसे स्ट्राइक बैलेंस किया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बोला कि दो तरीका हो सकता है, एजुकेशन को दो तरीके से डिसाइड किया, एक होनी चाहिए सेक्युलर एजुकेशन एंड एक दूसरी, अगर सेक्युलर एजुकेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करती है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा एजुकेशन का, डायरेक्टली एम्ड एट डीलिंग विद प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज कल्चर स्क्रिप्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. कि पहले तो भाई तुम्हें सेक्युलर एजुकेशन इम्पार्ट करनी है, दूसरे स्टैंस में आप अगर आपका वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो फुलफिल करता है तो फिर आप अपनी जो माइनॉरिटी की जो भी चीज़ें हैं लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी की जो भी हेरिटेज कल्चर या स्क्रिप्ट है उसको आप प्रिजर्व कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस स्ट्राइक किया है. एंड जब वही बोल रहे हैं कि जब इसने ये व्हेन इट कम्स टू लेटर कि एजुकेशन का दूसरे वाला पार्ट ये जो प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है, कोर्ट ने बोला है कि मैक्सिमम लैटिट्यूड टू बी गिवन टू द मैनेजमेंट टू अपॉइंट ऑफ टीचर्स. ठीक है, एंड कोर्ट रीजंस दैट टीचर हु बिलीव इन रिलीजियस आइडियोलॉजी और इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसर्न माइनॉरिटी, ठीक है भाई, जो रिलीजियस आइडियोलॉजी से अलाइन करते हैं तो वो would alone be able to imbibe in the students admitted in the such educational institutions. ठीक है, तो वो उसी तरीके से वो चीज़ें प्रिजर्व करेंगे प्रोफेस करेंगे एंड प्रोपगेट करेंगे, ठीक है, जो उनकी आइडियोलॉजी है. However, minority institutions जहाँ पे curriculum purely secular है, जो पहला stance होता है secular education का, the intent must be to impart educational availing the best possible teachers. ठीक है, दूसरे वाले स्टैंड में तो आप कर लो, ठीक है, इस तरीके के टीचर्स, पर पहले वाले केस में आपको बेस्ट पॉसिबल टीचर्स की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए टू इम्पार्ट सेक्युलर एजुकेशन. तो जो अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी से रिलेटेड कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो वो सेफगार्ड करते हैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को. तो सबसे पहला है आर्टिकल 30 का क्लॉज 1,
ये रिकॉग्नाइज करता है लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज बट नॉट नॉट ऑन बेस्ड ऑफ रेस और एथनिसिटी, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश, भाई तुम एस्टैब्लिश कर लो, एडमिनिस्टर कर लो ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड उसमें अपनी जो भी डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको आप प्रिजर्व करके रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये उनका फंडामेंटल राइट है. एंड एक मेजॉरिटी कम्युनिटी भी एस्टैब्लिश कर सकती है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बट उनको इस क्लॉज के इस आर्टिकल के इस क्लॉज के अंदर उनको कोई भी स्पेशल राइट नहीं मिलेगा, ठीक है, जो नॉन इंटरफेरेंस का स्टेट के द्वारा वो नहीं मिलेगा. तो कौन से स्पेशल राइट है इंजॉयड बाय रिलीजियस माइनॉरिटी अंडर आर्टिकल 30 ऑफ क्लॉज ए, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं MEI उनको ही बोल रहे हैं, इनको राइट टू एजुकेशन MEI इंजॉय राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, इन केस द प्रॉपर्टी इज टेकन ओवर बाय स्टेट, ठीक है, उनका राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, अगर इनकेस स्टेट को वही जगह चाहिए वही इंस्टीट्यूशन चाहिए तो उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी ताकि वो कहीं और उसको एस्टैब्लिश कर सके. तो ये पहला है. एंड अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 MEI आर नॉट कंसिडर्ड फॉर रिजर्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये क्लॉज आर्टिकल कहता क्या है, एम्पावर करता है कंट्री को टू मेक रिजर्वेशन रिगार्डिंग द एडमिशंस इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेट हैं या फिर एडेड या नॉन एडेड बाय गवर्नमेंट है, ठीक है, इसमें माइनॉरिटी जो भी रन इंस्टीट्यूशंस हैं सच एज मद्रासास वो एग्जेम्प्टेड हैं कि भाई तुम इसमें रिजर्वेशन नहीं दे सकते, मतलब देना चाहते हो दे दो बट वो तुम्हारे ऊपर है, मतलब तुम्हारी वो दिक्कत है. अब जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है, ठीक है, अब वो डायरेक्टली इन पे एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ये खुद डिसाइड करेंगे कि वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते. एंड अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, RTE, MEI इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडमिशन टू चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, उनको ज़रूरी नहीं है कि आपको एडमिशन करना ही करना है, ठीक है, और दूसरी जगह पे होता है. एंड अप टू 25% ऑफ द एनरोल्ड रिजर्व फॉर इकोनॉमिक इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, 25% एनरोलमेंट करवाना पड़ता है इनको फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जैसे सेंट स्टीफन्स वर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी केस था, सेंट स्टीफन इज ऑल्सो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ये वाले इंस्टीट्यूशन हैं कैन हैव 50% सीट्स रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज, उन्होंने बोला था कि आप रिजर्व कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पे तो बोला है कि नॉट प्रोवाइडेड विद रिजर्वेशन, कि मतलब सेंटर वाली चीज़ें डायरेक्ट नहीं अप्लाई होंगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप करना हो चाहो तो कर सकते हो. इस वाले केस में TMAPI वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो अपना सेपरेट एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं पर वो फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड उसको कोई भी कैपिटेशन फी चार्ज नहीं करनी चाहिए. कैपिटेशन फी क्या होता है कि एक थ्रेश होल्ड है कि भाई वो होता है ना कि ज़्यादा पैसे ले लो हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, डोनेशन टाइप की चीज़ें जो होती हैं, तो वो वाली चार्ज नहीं करनी चाहिए आपको. जो एडमिशन प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड और फेयर होना चाहिए. तो ये बोला था उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ठीक है. तो क्या है इससे रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इंस्टीट्यूशंस cannot claim absolute right in deciding the appointment of teachers, ठीक है, एंड वो regulate किए जाएंगे by government to ensure excellence in imparting education. एंड उसने अपहोल्ड किया है West Bengal Madrasa Service Commission Act of 2008. अब इससे रिलेटेड आर्टिकल 30 इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एंड सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बैलेंस स्ट्राइक किया है कि दो डिवाइड एजुकेशन को दो तरीके में डिवाइड किया, सेक्युलर एजुकेशन एंड जो ऐसी एजुकेशन जो उनकी प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज को सपोर्ट करती है. एंड कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेफगार्ड करते हैं, आर्टिकल 30 क्लॉज 1, देन इज आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एंड RTE वो है कि वो डायरेक्ट लागू नहीं होता एंड वो अपनी सीट्स रिजर्व कर सकते हैं एंड मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं पर उनको इसके तहत राइट नहीं मिलेगा, ठीक है. तो ये था आर्टिकल इसके बारे में. देन इज अबाउट 8th शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल से रिलेटेड ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एक है एड्यू निर्माण करके आप सर्च करोगे, शेड्यूल्स मैंने याद करवा रखे हैं उसमें ट्रिक बना रखी है वो आप देख लेना वरना मैं कॉमेंट सेक्शन में इंसर्ट कर दूंगी. तो केस क्या है फॉर टुल्लू, एक टुल्लू लैंग्वेज है, ठीक है, उसको बोला है कि 8th शेड्यूल में भाई इंसर्ट कर दो हमारी लैंग्वेज है. तो आप बोल रहे कि टुल्लू को क्यों जगह दी जानी चाहिए, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है, क्यों, क्योंकि तुल्लू एक द्रविडियन लैंग्वेज है, ठीक है, जो साउथ के लोग हैं वो बोलते हैं इसको एंड ये कंसंट्रेटेड है इन द टू कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका एंड कसारागोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है. कसारागोड डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता है, सप्त भाषा संगमा भूमि, ठीक है, कन्फ्लुएंस ऑफ 7 लैंग्वेजेस, 7 लैंग्वेजेस मिलती हैं यहाँ आके एंड टुल्लू उन 7 में से एक है, ठीक है. तो इसकी लोकेशन हम देखते हैं तो टुल्लू को क्या बोला जाता है, वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन फैमिली,
ठीक है, तो प्रेजेंट डे तुलु लिंग्विस्टिक मेजोरिटी एरिया कहाँ पे है? दक्षिण कन्नडा में, उडुपी इन कर्नाटका, यहाँ लिखा हुआ दक्षिण कन्नडा, उडुपी इन कर्नाटका एंड नदर्न पार्ट ऑफ कसारागोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला अप टू द रिवर चंद्रागिरी, ठीक है, एंड सिटीज ऑफ मैंगलुरु, उडुपी एंड कसारागोड आर एपी सेंटर्स ऑफ टुल्लू कल्चर, ठीक है, तो जो कसारागोड है वो यहाँ लोकेटेड है, ठीक है, एंड ये जो चंद्रागिरी रिवर है वो यहाँ कहीं लाई करती है कि कसारागोड तक ये फैला हुआ है यहाँ पे, एंड दक्षिण कन्नडा जो साउथ कर्नाटका है उसके बारे में बोले कि यहाँ पे भी फैला हुआ है जो ये टुल्लू लैंग्वेज के जो लोग रहते हैं, एंड मैंगलुरु, उडुपी एंड कसारागोड आर द एपी सेंटर्स। उडुपी की ये है यहाँ पे द कोस्टल स्टेट ऑफ कर्नाटका जहाँ पे ये बोला जाता है टुल्लू लैंग्वेज, उडुपी की ये लोकेशन है इन द मैप ऑफ कर्नाटका। तो डिमांड क्या है कि एफर्ट्स आर बीइंग मेड कि भाई टुल्लू को लाया जाए 8th शेड्यूल में, ठीक है, अगर टुल्लू को लाया जा सका, लाया गया अगर 8th शेड्यूल में तो क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो उसको प्राइज मिलेगा, ठीक है, साहित्य अकेडमी से, ठीक है, अगर इसको इंक्लूड कर लिया गया तो रिकॉग्निशन मिलेगा साहित्य अकेडमी से। साहित्य अकेडमी है क्या? इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है, ठीक है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रमोशन ऑफ लिटरेचर इन द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है, लिटरेचर को प्रमोट करती है साहित्य अकेडमी। फाउंड कब हुई थी? 12 मार्च 1954, ठीक है, किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑफिस कहाँ है इसका? मंडी हाउस इन दिल्ली, रविंद्र भवन मंडी हाउस दिल्ली, ठीक है, तो 1954 में एस्टैब्लिश हुई थी, लिटरेचर को प्रमोट करती है, तो साहित्य अकेडमी से इसको रिकॉग्निशन मिल जाएगी। एंड टुल्लू बुक्स विल बी ट्रांसलेटेड इनटू अदर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेजेस, जो भी अदर रिकॉग्नाइज हैं उसमें हो जाएगी, एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और जो भी एमएलएज है वो टुल्लू बोल पाएंगे उनकी स्टेट असेंबली में एंड इन द पार्लियामेंट एज वेल, एंड कैंडिडेट्स कुड राइट ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक सिविल सर्विसेज एग्जाम इन टुल्लू एज वेल। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है क्या राइट नाउ? जो 2001 का सेंसस है वो क्या कहता है? इंडिया हैज़ 30 languages दैट आर स्पोकन बाय मोर देन 1 million पीपल ईच, 10 लाख से ज़्यादा लोग 30 languages से बोलते हैं, एंड एडिशनली इट हैज़ 122 languages दैट आर स्पोकन बाय एटलीस्ट 10,000 पीपल ईच, ठीक है, एंड इट ऑल्सो हैज़ 1599 languages, मोस्ट ऑफ देम विच आर डायलैक्ट्स, ठीक है, लैंग्वेज तो कम है पर उनकी डायलैक्ट्स, बोलने के डायलैक्ट क्या होते हैं, बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, एंड दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन्स एंड दे आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, क्योंकि कम लोग बोल रहे तो लोग मर जाएंगे तो फिर उसके बाद कौन बोलेगा उसको, एंड इंडिया मस्ट अकोमोडेट दिस प्लियोथोरा ऑफ लैंग्वेज, मीन्स इतनी रिच डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना चाहिए एंड उसको एज अ प्राइड की तरह लेना चाहिए, दाना हेडेक। देन हमें राइट टू कंजर्व है, हाँ जी है, कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जिनके पास एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, वो अपने उसको कंजर्व करके रख सकते हैं। तो 8th शेड्यूल क्या बोलता है? उसने लिस्ट की है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है? बेसिकली जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज होती हैं। एज पर आर्टिकल 344 क्लॉज 1 एंड 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द 8th शेड्यूल में कौन सी 22 languages होती हैं, ठीक है, अब प्लेलिस्ट में इसकी भी टेक्निक मैंने बताई थी, अगर आप में से किसी ने याद करके तो आप भी प्लीज़ बताइएगा ताकि दूसरे लोगों की मदद हो सके। कौन सी है 22 languages? इसमें याद रखना आपने इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, जो 22 languages मेंशन है 8th शेड्यूल में, तो कौन सी? असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी है इसमें, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, नेपाली भी है इवन, ठीक है, दूसरी कंट्री का है बट फिर भी नेपाली है इसमें, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत भी है, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू भी है इसमें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इंग्लिश इसमें नहीं है, येट इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इंडिया की हमारी स्पेसिफिक कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नेशनल लैंग्वेज इंडिया की नहीं है, इंडिया आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेजेज है ऑफ द नंबर 22, ठीक है, तो क्या फ़ायदा होता है अगर लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में रखा जाए? साहित्य अकेडमी से रिकॉग्निशन मिलती है, ट्रांसलेट की जा सकती है, मेंबर्स MP MLA पार्लियामेंट में यूज़ हो सकती है, एंड सिविल सर्विसेज इस तरीके के एग्जाम को भी आप उस तरीके में लिख सकते हैं। कौन सा आर्टिकल गवर्न करता है? आर्टिकल 29 बोलता है कि आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, एंड 8th शेड्यूल में आर्टिकल 344 क्लॉज 1 एंड 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड बताता है कि हमारे पास 22 languages है। कसारागोड की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, उडुपी की मैंने आपको बता दी। देन इज अबाउट नेट्सको फैन। अब नेट्सको फैन है क्या? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इसको, ठीक है, अ नेटवर्क ऑफ रिसर्च एंड अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो किस में काम कर रहे हैं, इन द एरिया ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, जो फूड एंड न्यूट्रिशन की फूड FAN का क्या मतलब है? फूड एंड न्यूट्रिशन FAN, ठीक है, नेट्सकोफैन, ठीक है, नेट्सकोफैन बेसिकली नेट क्या, इंटरनेट की हेल्प से, मतलब इसको लिंक करके आप सोचो तो नेट की हेल्प से फूड एंड न्यूट्रिशन में जो हेल्प काम कर रहे हैं उसके लिए है ये पोर्टल।
तो इसमें क्या होएगा, इस इट वुड कंप्राइज ऑफ एट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो वर्क करें डिफरेंट एरिया में. कौन से एट ग्रुप्स हैं? बायोलॉजिकल एरिया में काम करें, केमिकल, न्यूट्रिशन एंड लेबलिंग, फूड ऑफ एनिमल ऑरिजिन, एक तो एनिमल हो गया तो प्लांट तो आएगा ही, वाटर एंड बेवरेजेस, फूड टेस्टिंग, सेफर एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग. ये आठ एरियाज में जो जो काम कर रहे हैं उन सबको एक साथ लाया गया है. तो एंड इसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. उसने एट नोडल इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया है जो एक डेवलप करेंगे रेडी रेकोनर, ठीक है, बेसिकली एक डाटाबेस मेंटेन करेंगे दैट विल हैव इन्वेंट्री ऑफ ऑल रिसर्च वर्क. जो भी रिसर्च वर्क हुआ है इन सारे पैरामीटर्स पे वो मेंटेन करेंगे एक्सपर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस दैट वुड कैरी एंड फैसिलिटेट रिसर्च सर्वे एंड रिलेटेड एक्टिविटीज. इन सबको जो फैसिलिटेट करेंगे उसकी एक इन्वेंट्री रखेंगे FSSAI में डेवलप करके. इट वुड आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स इन रिस्पेक्टिव एरियाज, ठीक है, जो भी एक अगर आपके पास डाटा बेस हो गया तो रिसर्च गैप भी दिख जाएंगे कि इस एरिया में ये रिसर्च गैप है. एंड देन कोलेट एंड डेवलप डाटा बेस ऑन फूड सेफ्टी इशूज फॉर रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज, इन केस एनी रिस्क असेसमेंट इज देयर सो फूड सेफ्टी इशूज कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देम. नीड एंड सिग्निफिकेंस क्या है? द नीड फॉर आइडेंटिफाई रिसर्च गैप इन रिस्पेक्टिव एरियाज एंड कलेक्ट फॉर विल बी एड्रेस बाई नेट्सकोफेन. बेसिकली ये बोल रहे हैं कि रिसर्च गैप जो भी है वो सारा एक अगर एक टेबल पे इकट्ठा होकर आ जाएगा तो नेट्सकोफेन की हेल्प से. नेट्सकोफेन बेसिकली एक क्या है, आपको इकट्ठी जो आठ नोडल इंस्टीट्यूशन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला रहा है, फिर देख लेंगे किसमें कितनी रिसर्च हुई है एंड जिसमें जितना गैप है उसको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है. तो नेट्सकोफेन बेसिकली फूड एंड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन को उसको एक साथ ला रहा है, फूड एंड न्यूट्रिशन के रिसर्च वर्क को. तो FSSAI के बारे में देख लेते हैं. ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि ये किसी एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश है. कौन सा एक्ट होगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, FSSA Act ऑफ 2006. देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी गवर्निंग एजेंसी है एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? न्यू दिल्ली में. देन इज अबाउट GS3 का टॉपिक है, इंडिया डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है. तो ये GS3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अवेयरनेस इन स्पेस. एंड रोज़ की रोज़ स्पेस में कुछ इंपॉर्टेंट आ रहे हैं. गगनयान मिशन इज अप्रोचिंग, सो जस्ट अलाइन टू दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट. तो इंडिया प्लान टू रिंग इट्स ऑन एरा ऑफ स्पेस टू स्पेस ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ इट्स स्पेस एसेट, ठीक है भाई. स्पेस जितनी सैटेलाइट्स हैं हम सैटेलाइट को सैटेलाइट से ट्रैक करेंगे, ठीक है, नीचे से ट्रैक नहीं करेंगे, वहीं से ट्रैक करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे. जो स्पेस हमारे जो एसेट्स गए हुए स्पेस में उनकी इंटर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे. किसकी हेल्प से? अ न्यू सैटेलाइट सीरीज कॉल्ड इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम. रिले में क्या होता है? रिले रेस अपने स्कूल में खेली होगी, एक भाग गया, दूसरे ने पकड़ा, दूसरे को डंडी पकड़ा गया तो दूसरा भागेगा फिर दूसरे को पकड़ाएगा, ठीक है. तो ये बेसिकली चेन बन जाती है, वही चेन हम स्पेस में जो बना रखें उसको मॉनिटर करने के लिए जाएगी, जिसे इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम बोला जाएगा. क्योंकि आप थोड़ा कनेक्ट करके करोगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ ना कुछ इसके पीछे रिले है तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, ठीक है. तो ये है क्या IDRSS एंड ये वाइटल क्यों है? IDRS इज प्लान टू ट्रैक एंड बी कंस्टेंटली इन टच विद इंडियन सैटेलाइट्स, ठीक है, स्पेशली जो लो अर्थ ऑर्बिट्स में है. कल ही हमने पढ़ा था लो अर्थ ऑर्बिट कितना 2000 किलोमीटर तक होता है उसे लो अर्थ ऑर्बिट, फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट 21,000, देन जियोसिंक्रोनस अर्थ जियो स्टेशनरी कितना 36,000 किलोमीटर तक होगा. तो जो वो कॉन्स्टेंट जो ये इनके इसके तहत IDRSS के तहत भेजेगी वो लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं उन पे ध्यान रखेगी, क्योंकि उनकी लिमिटेड कवरेज होती है. पहली बात तो वो लो अर्थ ऑर्बिट पे है, उनका वो एरिया इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो उसको फिगर आउट कर सके, ठीक है. इट विल बी अ सेट ऑफ सैटेलाइट जो ट्रैक करेगी, सेंड करेगी एंड रिसीव करेगी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर इंडियन सैटेलाइट्स एंड एक रिले सिस्टम बनाएगी. एंड ये जो सैटेलाइट्स हैं ऑफ द 2000 kg क्लास है वुड बी लॉन्च्ड इन अ GSLV, ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल लॉन्चर, ठीक है. ये हैवी जो सैटेलाइट्स होती है उनको लॉन्च करता है, उसको लॉन्च करने में GSLV काम आता है, ठीक है. एक PSLV होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें हल्की सैटेलाइट लॉन्च होती है, GSLV में हैवी होती है. तो इसकी मदद से जो IDRSS में सैटेलाइट्स हैं उनको भेजा जाएगा टू द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहाँ था? 36,000 किलोमीटर अवे, ठीक है. तो जो सैटेलाइट होएगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, इसका क्या, यहाँ पे जो भी सैटेलाइट होती है ना इतनी ऊपर, तो अभी जितनी ऊपर होगी वो इतना ज़्यादा एरिया कवर करेगी, ठीक है. तो ऐसी तीन सैटेलाइट्स ही काम आती है, ठीक है. तो जो भी सैटेलाइट हमारी पूरी अर्थ को कवर करने के लिए सिर्फ तीन जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं वो काम आती हैं. तीन सैटेलाइट्स पूरी अर्थ को कवर कर सकती है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकती हैं, ठीक है. तो इनमें जो IDRSS के तहत है उसको यहाँ भेजेंगे एंड वो जो लो अर्थ ऑर्बिट में होगा सैटेलाइट्स उनको मॉनिटर करेगा.
तो इन कमिंग ईयर्स इट विल बी वाइटल फॉर इसरो हुज रोड मैप इज टू डॉट विद एडवांस LEO मिशंस, क्योंकि हमारे एडवांस लो अर्थ ऑर्बिट मिशंस होने वाले हैं सच एज स्पेस स्पेस डॉकिंग, स्पेस स्टेशंस एज वेल एज डिस्टेंस एक्सपीडिशंस टू मून. एंड बेसिकली गगनयान जाने वाला है, गगनयान मिशन ऑफ 2022, जिसमें हमारे ह्यूमन मिशन है टू स्पेस, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है इंटर सैटेलाइट रिले सिस्टम. तो आई होप ये क्लियर होगा आपको. सेट ऑफ सैटेलाइट्स भेजी जाएंगी, GSLV पे भेजी जाएंगी, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में भेजी जाएगी. देन इज अबाउट नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. ठीक है, सेंटर कॉन्टेक्स्ट क्या, सेंटर ने रिलीज किया कितने 5908 करोड़ फॉर फूड फ्लड रिलीफ टू 7 स्टेट्स अंडर NDRF. कौन सी स्टेट्स को दिए हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश. कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी स्टेट को दिए, हर साल बदलती रहती है. NDRF क्या है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो पहले नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड था, उसको रीनेम करके नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड बोला गया है विद इनएक्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन 2005. जैसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया, इसका नाम बदल दिया फंड का. ठीक है, डिफाइंड इन सेक्शन 46 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005. ये फंड मैनेज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, ताकि वो ऐसे एक्सपेंसेस को मीट कर सके जो इमरजेंसी पर्पस के लिए हैं. ठीक है, जैसे रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, कोई फ्लड आ गई, ड्रॉट है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, तो उसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए जो स्टेट डिजास्टर, ओरिजिनली क्या होएगा, हर स्टेट अपने अपने क्लैमिटीज़ को खुद मॉनिटर करेगा, तो जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है उसकी सप्लीमेंटेशन के लिए, उसमें एड ऑन करने के लिए ये है बेसिकली नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. तो इसके की फीचर्स क्या हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट में लोकेटेड है, अंडर द रिजर्व फंड्स, नॉट बियरिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं आता इन पे, रिजर्व फंड होते हैं. मॉनिटर कौन करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दो एजेंसीज मॉनिटर करती हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. एग्रीकल्चर में कौन सी आती हैं, ड्रॉट, हेल स्ट्रॉम्स, पेस्ट अटैक या कोल्ड वेव या फ्रॉस्ट, जो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. होम अफेयर्स में कौन सी आ गई, फ्लड्स आ गई, ठीक है, पूरे पूरे ये बह गए, ठीक है, हाईवेज इस तरीके के, तो उस तरीके में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको कोऑर्डिनेट करती है. और इसकी ऑडिट कौन करता है, ऑडिट मतलब कितना फंड यूज़ हुआ, कहाँ यूज़ हुआ, मतलब पेमेंट बीच में कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं हुआ, उसे ऑडिटिंग कहते हैं. उसे कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग. देन व्हाट इट, ये यूज़ किस लिए होता है, NDRF अमाउंट कैन बी स्पेंड ओनली टुवर्ड्स मीटिंग द एक्सपेंस फॉर इमरजेंसी पर्पस, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन. ठीक है, इसी के लिए ही यूज हो सकता है. एंड फॉर पर्पस एक्सक्लूसिव फॉर प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पस ऑफ मिटिगेशन. मिटिगेशन मीन्स मेजर्ड एम्ड एट रिड्यूसिंग द रिस्क इम्पैक्ट. बेसिकली जो एक सेपरेट फंड है, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, उसमें क्या होता है कि आप ऐसे रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं ताकि वो एक डिजास्टर तक ना पहुंच पाए, उसके लिए अलग फंड है. ठीक है, पर जो NDRF है वो स्पेशली जब वो चीज़ हो गई ना, उसकी रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए रिलीज होता है. ठीक है, मिटिगेशन के लिए दूसरा फंड है. तो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है NDRF का, फाइनेंस थ्रू सेस, लेवी ऑफ सेस ऑन सर्टेन आइटम. सेस क्या होता है, सेस एंड सरचार्ज इज बेसिकली अ टैक्स. बेसिकली हम ऑलरेडी एक टैक्स पे कर रहे हैं. ठीक है, स्वच्छ भारत सेस होता है, जैसे टैक्स ऑन टैक्स जिसे बोलते हैं. ठीक है, हम ऑलरेडी एक चीज़ पे कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा टैक्स दे रहे हैं, जिसे सेस कहते हैं. तो ये सेस के थ्रू लेवी किया जाता है, चार्जेबल इन द एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज, एंड एनुअली किसके थ्रू, फाइनेंस बिल के थ्रू इसको अप्रूव किया जाता है. ठीक है, जैसे कोई भी हमारे यहाँ पे इनिशियली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो उसके ऊपर जैसे वो सेस लगता है, तो वो जाता है सारा NDRF में. ठीक है, और अगर उसमें भी अगर आपका पेट नहीं भर रहा है, मतलब रिक्वायरमेंट कम पड़ गया है, तो जनरल बजटरी सोर्सेज से इसको अलोकेट किया जाता है. एंड जनरली अ नेशनल कलामिटी कंटिजेंसी ड्यूटी, ये लीवी होती है, ड्यूटी लीवी होती है टू फाइनेंस NDRF. ठीक है, और ये ड्यूटी वहीं पे ली होती है जब गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, हमारे टेरिटरी में, तो उसमें लेवी किया जाता है ये वाला टैक्स, ये वाली ड्यूटी, एंड ताकि वो NDRF को कंस्टिट्यूट कर सके. एंड प्रोविजन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू एनकरेज एनी पर्सन. ठीक है, अगर किसी पर्सन को अपनी खुद की श्रद्धा है तो वो भी इसको दे सकता है. ठीक है, तो इसके बेसिकली देख लेते हैं, NDRF है किस उसके तहत इस्टेब्लिश हुआ था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005. एक फंड है, पहले इसका नाम था नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड, नाम बदल के इसका NDRF कर दिया. मैनेज कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को जो SDRF है, डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, उसको सप्लीमेंट करती है. ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट में लोकेटेड है, एंड दो उसको डिपार्टमेंट मॉनिटर करते हैं, एग्रीकल्चर वाला एंड होम अफेयर्स. एंड ऑडिट कौन करता है, कैग. यूज़ किस लिए होता है, सिर्फ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के लिए. ठीक है, मिटिगेशन के लिए दूसरा फंड, इसे नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड बोलते हैं.
सोर्स क्या है, सेस लेवी होता है ऑन सर्टेन आइटम जिसको जिसके थ्रू ये अलोकेट करते हैं एंड अप्रूव, इट इज़ अप्रूव्ड एनुअली थ्रू अ फिनेंस बिल। तब भी अगर कम पड़ जाता है तो एनुअल जनरल बजटरी सोर्स रिसोर्सेज से इसको आउटसोर्स किया जाता है एंड जनरली नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी ड्यूटी लगती है, ठीक है, टू फाइनेंस द NDRF, ठीक है, जो भी चीज़ें बनती है, गुड मैन्युफैक्चर होते हैं उसके ऊपर ड्यूटी लगती है जिसे नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड बोला जाता है, उसमें इसको लिया जाता है एंड कोई भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी इस पर कर सकता है। देन इज अबाउट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, देन इज अबाउट जो कुटपी फेस्टिवल है क्या, मिजोरम गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे ग्लोबली, ठीक है, ताकि हम जो मिजो ट्राइब्स हैं, मिजोरम की ट्राइब्स हैं, उसको यूनिफाई कर सकें। तो फर्स्ट फेस्टिवल कहाँ पे होगा, वन गुमन अ हब टाउन ऑफ मिजोस इन द नेबरिंग त्रिपुरा, ठीक है, अब आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे मिजोरम है तो मिजोरम का पड़ोसी कौन है, त्रिपुरा, त्रिपुरा में होगा पहला क्योंकि वहाँ पे भी मिजोस रहते हैं। एंड इसमें इवेंट में क्या होगा, इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज होंगे फ्रॉम वेरियस मिजोरम ट्राइब्स टू विटनेस कल्चरल प्रोग्राम्स एंड ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, ठीक है, वो सब होएगा एंड इससे होगा क्या, रीयूनिफाई एंड स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी द ब्रदरहुड अमंग डिफरेंट मिजोस, ठीक है, तो जो ऑब्वियसली वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, जैसे कुछ मिजोस त्रिपुरा में रह रहे हैं तो एक वो स्टेट से रिलेटेड हेट्रेड ना पैदा हो एंड ये हो कि हाँ नहीं हम एक ही कम्युनिटी के हैं, तो वो चीज़ें रीइन्फोर्स करने के लिए जो कुटपी हो रहा है, आ जाए तो याद रखना मिजोरम गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। देन इज अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये है उसकी फोटो, अभी इसका IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, अभी ये मिलता कहाँ है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ ये मिलता है और लिस्ट किस में है, ये शेड्यूल वन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसके शेड्यूल वन में है एंड इन द CMS कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जिसको बोन कन्वेंशन भी बोला जाता है उसके उसमें भी ये मेंशनड है एंड इन द अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स, ठीक है, हर आपको ऑर्गेनिज्म का याद रखना चाहिए IUCN, ठीक है, अगर इंडिया का है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड देन साइट्स का तो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद करना चाहिए, तो ये वाली चीज़ आप हर एनिमल जो भी न्यूज़ में आ रहा है ना, हर एनिमल का तो नहीं, जो न्यूज़ में आ रहा है उसका बना के रखिए एक अलग से डाटाबेस एंड इसके बारे में। हाँ, आज के लिए आपका क्वेश्चन है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके पांचों शेड्यूल्स के बारे में आप मुझे बताएंगे एंड साइट्स के अपेंडिक्स के बारे में आप मुझे बताएंगे। देन इज अबाउट साइट्स, साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, ठीक है, एक कन्वेंशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, जो उनकी इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसको रोकता है। इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू विच स्टेट्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन ऑर्गेनाइजेशन जो वॉलंटरी अधर करती है इससे, ठीक है, जो मानती है कि ठीक है हम इसको फॉलो करेंगे वो इसके अंदर आती है। ये कब आया था इनटू फोर्स, इन 1975, करंटली 183 पार्टीज हैं इसमें। एम क्या है इसका, टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन द स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लांट्स भी आते हैं, डू नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल को थ्रेटन नहीं करी, इलीगल ट्रेड को रोकता है। साइट सेक्रेटरीट कौन एडमिनिस्टर करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम लोकेटेड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है टू द साइट्स सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिकली साइट का सेक्रेटरीट कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जो UNEP मॉनिटर करता है। 1975 में साइट्स आया था, 183 पार्टीज है राइट नाउ एंड ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड दोनों की ही प्लांट्स प्लस एज वेल एज एनिमल्स दोनों की ट्रेड को प्रोहिबिट करता है अगर वो उसके सर्वाइवल को थ्रेटन कर रही है तो। एंड ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है दिस इज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द स्पीशीज फॉर रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है, अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स किसका प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो इसमें क्या होएगा, नाम से सोचो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करेगा ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जहाँ पे ये जानवर रह रहे हैं उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करेगा। तो ये है क्या, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो स्टेट का भी हिस्सा होगा इसमें। एंड इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू स्टेट या यूनियन टेरिटरी फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देगा उनके हैबिटेट को इन प्रोटेक्टेड एज वेल एज आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, ठीक है, IUCN में, तो इसको भी दिया जाता है। कंपोनेंट्स क्या है स्कीम के, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, डेवलपमेंट कराएगा ऐसे हैबिटेट्स की एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी मॉनिटर करता है। अब प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या, स्टेट ऑफ राजस्थान में ने ये चालू किया है, वो आइडेंटिफाई करेगी एंड फेंस करेगी ऐसे बस्टर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड्स को, ठीक है, बेसिकली तार लगा देगी वहाँ पे जहाँ पे भी ये ब्रीड कर रहे हैं ताकि उनकी ब्रीडिंग सिक्योर हो सके एंड आसपास के लोग उनको हंट ना कर सके, ठीक है। तो क्या होता था, ये भाग जाते थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स इधर, क्योंकि ये भाग भाग के हंट करते तो वहाँ पे इनका
अपने एरिया से बहुत दूर चले जाते थे, तो इसीलिए फेंसिंग करने की जरूरत पड़ी। प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं? डिजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान में है, रोला पाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, एंड करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में। यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, IUCN का स्टेटस कहाँ मिलता है एंड इसकी प्रोटेक्टेड अंडर विच साइट्स के बारे में पढ़ लिया। देन इज अबाउट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स पढ़ लिया, इसकी कॉम्पोनेंट्स क्या है, एंड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ का है, राजस्थान का। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड मुझे साइट्स के अपेंडिक्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल्स के बारे में कमेंट जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।